जी जिस तरह से हमारी पेशन गोई है पहले से ट्वेंटी सेकेंड इवनिंग से जो है मौसम खराब हो जाएगा और आबर आलोद हो जाएगा आज लेट आफ्टरनून से ही और हायर चे जो है लाइट ट्रेन के चांसेस हैं और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा ट्वेंटी थर्ड को जो है सिस्टम का मेन एक्टिविटी है फिर ट्वेंटी फोर्थ आफ्टरनून तक जो है रहेगा मौसम ऐसे ही तो कुल मिला के जैसे हमने एडवाइजरी इशू की थी इसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया था कि स्नोफॉल के चांसेस हैं प्लेन्स में भी में मॉडरेट स्नोफॉल के और हायर में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है और कुछ एक जगहों पे हेवी स्नोफॉल के भी चांसेस है बाकी जम्मू रीजन में भी दरमियाना दर्जे की बारिशें बिल्कुल रहेंगे खासकर ट्वेंटी थर्ड को और जम्मू के जो हायर रिचेज है हैं, वहां पे भी स्नोफॉल के इम्कान है जिस तरह से हमने बीस तारीख को ही एडवाइजरी इशू किया था जिसमें लिखा गया था कि आप अपने फल फ्रूट वगैरह है उनको जितना जल्दी हो सके उतारे क्योंकि हमें याद है 2018 फर्स्ट फर्स्ट वीक वीक ऑफ़ ऑफ़ नवंबर नवंबर 2019 में काफी हैवी स्नोफॉल हुआ था जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ था खासकर मैगा बागावत वालों को तो, तो फिलहाल जो है उनको प्रोनिंग भी करना पड़ेगा और जितना हो सके फल फ्रूट वगैरह उनको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा तो अब टेम्परेचर जो है अभी फिलहाल कल 23 के आसपास था यहाँ वादी के बेशर इलाकों में और अब टेम्परेचर जैसे आज अब आलू थे तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा दिन का अब जब बारिशें होंगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर और फर्दर डिप होगा तो कहने का मतलब है आज लेट आफ्टरनून इवनिंग से लेके ट्वेंटी आफ्टरनून तक जो है मौसम खराब ही है तौर पर रहेगा बर्फ का जैसे साउथ कश्मीर कुलगाम यहां शुपियान के हायरी जिसे है पीर की गली मोगल रोड इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर करना सेक्टर और जो हायरी जिसे है में गुरेज और तिलेल सोनामर्ग साइड में जोजिला इन सारे एरियाज में जो और पहलगाम में भी बर्फ के काफी ज्यादा इम्कान है और हेवी स्नोफॉल के बिल्कुल चांसेस हैं तो किस तरह का मदद रहेगा भारत में हाँ यहाँ पे भी बिल्कुल दरमिया दर्जे की बारिशें होंगी और टेम्परेचर जब डिप होगा तो लाइट स्नोफॉल के चांसेस है यहाँ पे भी बाकी लोगों को हमारी तरफ से यह पैनिक ना हो जाए बिल्कुल और खासकर जो ट्रैवल करते हैं जम्मू श्रीनगर या श्रीनगर जम्मू इसी तरह श्रीनगर लेह या करगिल जो ट्रैवल करते हैं वो वेदर एडवाइजरी को जो है बिल्कुल पालन करें क्योंकि कोई अनुअवर्ड इंसिडेंट ना हो और फिर मौसम जो है खुल जाएगा ट्वेंटी फोर्थ आफ्टरनून के बाद और लगभग एंडिंग अक्टूबर तक तो जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा